दिल्ली के कलावती शरण बाल अस्पताल में भारत सरकार की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा मिशन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने मरीजों के साथ मौजूद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर दिलीप रनवत ने अस्पताल में मरीजों के साथ मौजूद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि बीमारियों से बचने के लिए खाना खाने से पहले और सोच के बाद हाथों को धोना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि सफाई का ध्यान अस्पताल में ही नहीं घर पर भी रखना चाहिए। हाथ धोने से डायरिया, इन्फेक्शन, पेट के दस्त जैसी अनेकों बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, इसलिए हाथों को साफ सुथरा रखना चाहिए। मेरा नाम दिलीप रलवत है, नर्सिंग ऑफिसर कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पर हम स्वच्छता पखवाड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हमने यहाँ पर थोड़ा सा हैंड वॉशिंग, हाथों को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए और इस प्रकार से किस प्रकार से बीमारियों से हम बच सकते हैं, इस बारे में मैं यहाँ पर पेशेंट जो आए हुए हैं और उनके साथ जो रिलेटिव है उनको इस बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि किस प्रकार से हम हैंड वॉशिंग करके बच्चों को हॉस्पिटल आने से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। हमको बताना चाहेंगे हाथ धोने से किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है। हाथ धोने से आप मोस्टली जैसे डायरिया बीमारियाँ होगी, ठीक है, कोई इन्फेक्शन सोर्सेस हो गया, जो भी पेट की बीमारियाँ है, दस्त लगना हो गया, ठीक है, इन बीमारियों से आप आसानी से बच सकते हैं सिंपल स्टेप फॉलो करके, ओनली हैंड वॉशिंग। तो हाथ धोने की विधि कब कब हाथ धोने चाहिए क्या बताएं? अगर हमने यहाँ पर जैसे आपके सामने तैयार लगा रखा है कि हाथ कब धोने चाहिए, वैसे हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको खाना खाना है, ठीक है, खाना खाने के बाद स्वस्थ से आने के बाद इस प्रकार से जो भी एक्टिविटी है, जो भी काम है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। तो बच्चा खांस रहा है उसके बाद किस प्रकार से हाथ धोने चाहिए, हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स होती है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करके बताएंगे जरा। बिल्कुल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स है जिनमें हम हैंड वॉशिंग की टेक्निक यहाँ पर सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हम सिंपल टेक्निक, हमें फ्रंट है, फ्रंट से हैंड वॉशिंग करना है दोनों को, कम से कम 5 बार आपको क्या करना है, हैंड को स्क्रब करना है। बाद आपको क्या करना है, जो इंटरलॉक फिंगर डिजिटल फिंगर से जो फिंगर के बीच में स्पेस है उसको आपको क्लीन करना है दोनों हाथों से 5 टाइम। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो मुट्ठी है अंदर से उन दोनों को रब करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अंगूठा क्लीन करना है दोनों साइड का, ठीक है। इसके बाद आपको जो नाखून से इनको भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, क्लीन करना है। इस प्रकार से पूरा हाथ क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है।